हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मॉनिटर और डिजिटल टेलीविज़न को सीपीयू में कैसे कनेक्ट करें। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारा मॉनिटर जो है लेनोवो का है मॉनिटर, ये अभी चालू है सीपीयू में कंप्यूटर में। तो अभी हम लोग इसको डिजिटल टीवी अपना एलजी का है प्लाज्मा, इसमें कनेक्ट करेंगे। ये एलजी के प्लाज्मा में तो कैसे करते हैं आपको बताते हैं। ये अपना मॉनिटर में अभी चालू है, ठीक है। तो इसमें आपको करना है माउस से राइट क्लिक करने के बाद ग्राफिक्स ऑप्शन के बाद एक और ऑप्शन आएगा, इसमें लिखा हुआ है आउटपुट टू। उसके बाद और ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन में लिखा है मॉनिटर डिजिटल टेलीविज़न और क्लोन डिस्प्ले और एक्सटेंडेड डेस्कटॉप। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि अपना मॉनिटर सेट है अभी इसमें, तो इसको अभी अपने अब हम लोग करेंगे डिजिटल टेलीविज़न। करने पे अपना डिजिटल टेलीविज़न चालू हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये अपना एलजी का प्लाज्मा है, इसमें कनेक्ट हो गया है। तो अगर आपको दोनों एक साथ कनेक्ट करनी है तो सिंपल है, ये ऐसी राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद ग्राफिक्स ऑप्शन में फिर से जानी है। ग्राफिक्स ऑप्शन के बाद आउटपुट के बाद इसमें क्लोन डिस्प्ले, तीसरे नंबर में है क्लोन डिस्प्ले में जानी है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है मॉनिटर प्लस डिजिटल टेलीविज़न, तो इसमें लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर ये दोनों एक साथ चलने लग जाएगा, दोनों कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ऐसे चलानी है मॉनिटर या डिजिटल टेलीविज़न, तो इसको ऐसे आप लोग सेट कर सकते हैं। दोनों चलाना है तो दोनों एक साथ चलेगा, और अगर मॉनिटर ही चलानी है तो मॉनिटर या फिर टेलीविज़न।